बाबा नीम करौली जी का ये है। देखिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये लोग दोस्तों यहाँ रहते भी हैं, वैसे आश्रम भी है ऊपर। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम मंदिर में। यह है मंदिर का गेट अंदर जाने का। इनकी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन रात्रि को जो है सोना नहीं चाहिए, पूरी रात को जो है जागरण करना। बाबा जी जय हो, बाबा जी रक्षा करना। यह है दोस्तों बेल बाबा जी, देखिए। हेलो दोस्तों, फिर से नए दिन में नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए आज का क्या होता है हमारे ब्लॉग। दोस्तों आज हल्द्वानी का मौसम देखिए क्या भयानक हो रहा है, बारिश भी आ रही है देखिए हल्की हल्की। तो आ रहा हूँ, आज पहाड़ों में बर्फ पड़ सकती है ना? नहीं पड़ेगी यार, अभी पड़ जाएगी, चलेंगे देखने। हाँ आ रहा हूँ, भी देखो बारिश देखने के लिए आ गया है। देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है यार, आज मज़ा आ गया ना। आ रहा हूँ, अभी जाएंगे घूमने के लिए, ठीक है? पहले नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद जाएंगे। चलो फिर अभी अंदर चलते हैं। चलो आज हो रहा है तो हमारे घर में देखिए काम पूरा, सामान वामान सब इधर कर दिया है। और मम्मी मम्मी आज क्या करवा रहे हो ऐसा? टांगते रहते हैं हम सामान, सफाई होती है। अच्छा टांग रहे हो खाली? अच्छा तो आप, मौसम भी खराब है, बर्फ पड़ सकती है क्या पहाड़ों में? पड़ेगी तो चलोगे देखने? पक्का? ठीक है, ले जाने वाला दूर है। हाँ हाँ चलना। आगे यह है दोस्तों, देखिए इन्होंने सामान और ये बिस्तर बेड हेड सब इधर उधर से खिसका के अब ये बेड यहाँ पर और खुला है, और अंदर ज्योति भी लगी है। देखिए क्या क्या है, ज्योति ये काम कर रही है। देखो क्या बनना है आज खाना, ये क्या बनना है? हरी सब्जी और आलू। हरी सब्जी और आलू बनना है यहाँ, और क्या बनना है? दाल पता नहीं, मम्मी बनाएगी। आरव क्या खाएगा आज? खाऊंगा आज झोली खाएंगे यार, झोली और चावल। हाँ बढ़िया वाली, ठीक है। चलो फिर दोस्तों मैं हो चुका हूँ नहा धो करके रेडी, और दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ यूनिक सी जगह में जो पड़ती है हल्द्वानी के अंदर ही। वह है दोस्तों नीम करौली जी, बाबा जी का आश्रम जो हल्द्वानी में पड़ता है। वो शायद ही कभी किसी ने देखा होगा हल्द्वानी के अंदर, तो आज मैं दिखाता हूँ आपको ब्लॉग के माध्यम से। तो बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए नीम करौली बाबा जी के आश्रम को जो पड़ता है हल्द्वानी के अंदर। हाँ आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको बताते हुए चलूँगा मैं रास्ते से, कौन से रास्ते में वो पड़ता है। तो चलते हैं, आप जाते हैं, बाइक निकालते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ बाइक में, अब करते हैं बाइक को थोड़ा सा स्टार्ट। तो दोस्तों मैं फाइनली निकल चुका हूँ, आगे पे अभी प्रदीप मिलेगा, प्रदीप को बैठाता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। प्रदीप भी आ रहा है साथ में। तो दोस्तों आज आपको दिखाते हैं हल्द्वानी में एक यूनिक सी जगह, मतलब ऐसी जगह है दोस्तों कि बहुत से लोगों ने वो जगह देखी नहीं होगी आज तक, मतलब उसका मैंने YouTube में कोई ब्लॉग तो देखा नहीं है अभी तक। बाकी मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं भी जाके देखता हूँ कैसी है यहाँ की लोकेशन। दोस्तों प्रदीप भाई भी आ चुके हैं, आ ले जा रहा हूँ मैं इनको एक यूनिक सी जगह। तो दोस्तों प्रदीप भी मिल गया है मुझे, अब मैं निकल चुका हूँ प्यारी सी लोकेशन के लिए। बाकी हल्द्वानी का मौसम दोस्तों आज बहुत बढ़िया है, ना धूप है ना बारिश है, बहुत बढ़िया मौसम है घूमने लायक। चलते हैं और आपको भी कराते हैं बाबा नीम करौली जी के आश्रम के दर्शन, वो भी हल्द्वानी के अंदर। तो मिलते हैं आपको अब थोड़ी सी देर के बाद। बाकी जो जो मेन मेन पॉइंट होंगे दोस्तों वो मैं आपको दिखाते रहूँगा, कहाँ से आपको जाना है, कैसे जाना है, मेन पे जाके मैं आपको बताते रहूँगा। तो पहले जाते हैं मेन पे, निकलते हैं, उसके बाद करते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट। दोस्तों यह है जेल रोड चौराहे, देखिए पूरा यहाँ से हमने जाना है नीचे को। बाकी यहाँ पर देखिए आई लव हल्द्वानी कितना प्यारा लग रहा है यार। बाकी ये जाना है दोस्तों हमने हीरानगर वाली रोड पर, यहाँ से हम शॉर्टकट निकलेंगे रामपुर रोड में सुशीला तिवारी के आसपास, वहाँ से हमने फिर रामपुर रोड में जाना है आगे को। बने रहिए, मैं आपको मेन मेन बताते रहूँगा आपने कहाँ से कैसे जाना है, तो आप देखते रहिए ब्लॉग को। बाकी दोस्तों ये आ गई है देखिए रामपुर रोड, यहाँ से जाना है हमने नीचे की तरफ को, यहाँ को। तो दोस्तों हम रामपुर रोड में एंटर हो गए हैं, अब ये रामपुर रोड में सीधे नीचे को जाके है दोस्तों जगह।
बाबा नीम करौली जी का आश्रम रामपुर रोड में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं देवल चौड़ चौराहे पे, इस साइड को है दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर, ये देखिए। बाकी सीधे रोड जाएगी रुद्रपुर रामपुर की तरफ को। यहाँ से करीबन दोस्तों हमने जाना है 3-4 किलोमीटर जाना है आगे को, 3-4 किलोमीटर आगे जाके एक बैंड कटता है लेफ्ट साइड को, तो आपको दिखाते हैं आज। तो दोस्तों आगे को वो चौराहा आने वाला है, तो हमने जाना है दोस्तों यहाँ से अंदर को। देखिए बोर्ड लगा हुआ है बाबा नीम करौली वृद्ध आश्रम, देखिए सामने यहाँ से एरो भी बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से जाना है हमने अंदर को। बाकी दोस्तों यहाँ पर का व्यू देखिए यार कितना प्यारा है। बाकी आज मौसम तो हल्द्वानी में बिल्कुल एक नंबर हो रहा है। बाकी आप व्यू देखिए यार कितना मस्त व्यू है, बिल्कुल हरियाली हरियाली, बढ़िया मौसम हो रहा है यार, ज़बरदस्त। हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा है बट ठीक हो रहा है दोस्तों, घूमने लायक का मौसम अच्छा है आजकल, आप घूम सकते हैं बढ़िया। बाकी दोस्तों यहाँ से अब हमें रहना है राइट साइड को, देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है बोर्ड, ये देखिए यहाँ से जाना है अब हमें अंदर को। बाकी आपको दोस्तों जगह जगह में बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, वृद्ध नीम करौली बाबा जी का आश्रम है दोस्तों, ये देखिए आनंद आश्रम बाबा नीम करौली जी का, ये है देखिए। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ये है मंदिर, खुला है तो दर्शन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, ठीक है थैंक यू। मंदिर खुला है दोस्तों, दर्शन कर लेते हैं आगे। अम्मा जा रही हैं, आप ही रहते हैं अम्मा यहाँ? अच्छा दोस्तों यहाँ से ऊपर को है मंदिर, मंदिर में जाते हैं। ये देखिए भाई साहब मज़ा आ गया, ये है कुछ मंदिर। जय हो भगवान जी, ऐसा करना। ये दोस्तों इस टाइप का देखिए, हम आश्रम से बाहर आ चुके हैं, यह है नीम करौली बाबा जी का वृद्ध आश्रम। बाकी बुड्ढे लोग दोस्तों यहाँ रहते भी हैं, वृद्ध आश्रम भी है, ऊपर बुड्ढे लोग रह भी रहे हैं और उनको खाना पीना सब प्रोवाइड हो रहा है, लोग यहाँ रुके हैं। तो बाकी हमने भी कर लिए हैं दोस्तों दर्शन, तो हम भी अब निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ को। बाकी रास्ते में दोस्तों सौरभ जोशी का घर भी पड़ता है, ओलिविया कॉलोनी, तो आपको वहाँ भी दिखाते हैं। कॉलोनी के अंदर तो जाने नहीं देंगे, बाहर से थोड़ा देखते हैं, तो उसके बाद आपको मिलते हैं, बाकी रास्ते में दिखाते हैं आपको। बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग पे। यह है दोस्तों बोर्ड और यह है अंदर जाने का रास्ता, ये ऊपर दुमदले में है दोस्तों। हम बाहर को आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम इस रोड पर बेल बाबा मंदिर, तो उस बेल बाबा मंदिर के भी दर्शन करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं दोस्तों सौरभ जोशी की कॉलोनी, ओलिविया कॉलोनी, वो भी थोड़ा सा नीचे पे है इसी रोड में, तो जाते हैं आगे को। बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग पे। तो दोस्तों हम आगे हैं नीचे को, पहले जाते हैं हम सौरभ जोशी के घर पे, उसके बाद जाएंगे बेल बाबा मंदिर। तो सौरभ जोशी का घर है दोस्तों थोड़ा सा नीचे को, और ओलिविया कॉलोनी पड़ती है, वहाँ है उसका घर, जाते हैं नीचे को, तो आपको भी दिखाते हैं। ऐसे कॉलोनी अंदर तो जाने नहीं देंगे, अगर सौरभ भाई या कोई बाहर को आता हुआ दिख गया तो आपको भी दिखाएंगे, नहीं तो आपको उसकी सोसाइटी दिखाते हैं हल्द्वानी में, तो आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉक में। तो दोस्तों ओलिविया कॉलोनी आने वाली है, तो हम जाते हैं अंदर को, थोड़ा सा देख के आते हैं। ये है दोस्तों देखिए ओलिविया कॉलोनी सामने, ये देखिए ये सामने है गेट। अभी तो कोई है नहीं दोस्तों यहाँ पे, वहाँ पर गार्ड साहब बैठे हैं बस। ये देखिए यह है कॉलोनी का गेट, अंदर को है उसका घर। तो बाहर बाहर से दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू, ये देखिए कुछ है इस टाइप का। तो अब चलते हैं वापसी, खाली उसका गार्ड भी जो है नाराज हो जाएगा, अंदर जाने नहीं देंगे।
तो अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ को, अब जाते हैं बेल बाबा मंदिर। तो हम निकल गए हैं बेल बाबा मंदिर की तरफ को, तो बेल बाबा मंदिर के भी आपको कराते हैं अब दर्शन। तो आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग पे। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं बेल बाबा मंदिर, यह है देखिए बेल बाबा मंदिर, यहाँ पर खड़ी करते हैं बाइक। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम मंदिर में, यह है मंदिर का गेट अंदर जाने का, देखिए यह है कुछ मंदिर के नज़ारे बाहर से, देखिए कितना प्यारा मंदिर है यार, मज़ा आ गया। ये देखिए आगे दोस्तों आप जाते हैं अंदर और अंदर करते हैं मंदिर के दर्शन। हमने यहाँ पर उतार दिए हैं, अब करते हैं मंदिर के दर्शन बारी बारी। पहले करते हैं दोस्तों बजरंगबली जी के दर्शन। तो यह है बजरंगबली जी का मंदिर, देखिए सामने, जय हो भगवान जी, जय हो भगवान जी। यह है दोस्तों बजरंगबली, देखिए, और ये आगे हैं दोस्तों, जय हो भगवान जी, काली माता जी के दर्शन कीजिए, यह माता रानी रक्षा करना। बाकी दोस्तों आगे को आए शनि देव, यहाँ पर ये हैं दोस्तों शनि देव, ये देखिए, जय हो भगवान जी। बाकी आगे को जाते हैं दोस्तों, आप आगे को भी करते हैं दर्शन। कितनी प्यारी लोकेशन है यार दोस्तों, देखो मज़ा आ गया ना। बाकी यहाँ को भी है मंदिर, तो यहाँ भी करते हैं दर्शन। ये देखिए इतना प्यारा मंदिर है ना, ये देखिए। बाकी यहाँ भी है दोस्तों शिव जी अंदर, और यहाँ बाबा जी के रहने का भी है, ये जय हो भगवान जी, ये सो हैं बाबा जी। बाबा जी नमस्कार, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, चलिए आराम कीजिए, आराम कीजिए दोस्तों। ये है बेल बाबा जी, जय हो बाबा जी रक्षा करना। ये है दोस्तों बेल बाबा जी, देखिए। तो दोस्तों मंदिर हम घूम रहे हैं अभी, बहुत प्यारा मंदिर है, कुछ मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं, बाकी थोड़े और मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी है मंदिर सामने, और इधर सामने भी है, तो यहाँ भी करते हैं दोस्तों दर्शन, जय हो भगवान जी, रक्षा करना। ये दोस्तों एक मंदिर देखिए, बाकी यहाँ पर भी है दोस्तों मंदिर सामने, जय हो भगवान जी। बाकी यह है दोस्तों काली माता जी का मंदिर, जय हो माता रानी रक्षा करना। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का है बेल बाबा मंदिर, प्यारी लोकेशन है दोस्तों आसपास की, देखें ये देखिए पूरी लोकेशन। मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं, बेल बाबा मंदिर दोस्तों मैंने आपको पहले भी दिखाया है, बहुत प्यारा मंदिर है दोस्तों, मतलब एकांत में है बिल्कुल। बाकी ये रुद्रपुर रोड है सामने, रुद्रपुर रोड में ही लगा हुआ है मंदिर का गेट है, तो आप यहाँ आ सकते हैं दर्शन कर सकते हैं, बहुत शांति है दोस्तों इस दोस्तों मंदिर में। मिले हैं पंडित जी, तो पंडित जी बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ। पंडित जी नमस्कार। जय हो बेल बाबा महाराज। और बताइए कुछ नया, पिछले बार भी आपको देखा था हमारे व्यूअर्स ने। जी जी जी, तो आप अच्छा हाँ आए थे आप पहले, आप सब लोग आए थे, सब लोग बना रहे थे। अच्छा हमारा आज सही है आध्यात्म की ओर आप लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारी जो धरोहर हैं, हमारी विरासतें हैं, इनको आप आगे बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। फिर ये जो हमने हमारी संस्कृति को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो आज हम तो सब ऋषि मुनियों की औलादे हैं, हमें कुछ बताया नहीं गया, हमें तो इस टाइप से बोला जाता है कि अंग्रेज ऐसे थे, ये वैसे थे, किसी को ये पता नहीं है कि हम क्या थे, हमारे बाद कौन आए थे। हम ऐसा कर बताया जाता है कि जैसे
कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात नहीं होती, खुद चोरी करता है और खुद कहता है कि ऐसा वैसा हमारी संस्कृति के साथ किया गया है। आपको देख के मेरे को बड़ी खुशी होती है, आप जब भी आते हो ना ऐसा लगता है कि हाँ कोई आ रहे हैं हमारे जैसे देश के जवान होते हैं ना, ऐसे आप संस्कृति विरासत के जवान लग रहे हो आप, हमारी संस्कृति जो धरोहर है उसको, हाँ हमें ऐसा लगता है कि दोबारा से विश्व धरोहर हमारी संस्कृति हो जाएगी। पंडित जी हमारा एम है ना एक कम से कम हमारे हम अपने हल्द्वानी के मंदिरों को तो बता सकें लोगों को कि यहाँ यहाँ हमारे ये मंदिर हैं, हमारा लोग चाहे आए दर्शन करें। तो पंडित शिवरात्रि के दिन यहाँ क्या रहता है, भीड़ रहती है अच्छी खासी? हाँ शिवरात्रि के दिन क्या, बेल बाबा तो कुमाऊँ द्वार के पहले भगवान हुए फिरे हल्द्वानी में, जो शिवरात्रि के दिन भव्य होता है महाराज यहाँ, भव्य और दिव्य के साथ सब भगत लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, एक एक किलोमीटर की लाइन ऊपर तक नीचे तक लाइन लग जाती है महाराज। तो शिवलिंग में पानी चढ़ाते होंगे? हाँ फिर पानी तो जल चढ़ते रहता है, आप ड्रम भर के ले आना। अच्छा शिवलिंग जल तो चढ़ाते हैं। अच्छा ऐसे है, और सब आपका कैसा चल रहा है फिर? बढ़िया, मंदिरों में गए आप? सब बढ़िया। बद्री केदारनाथ चले गए आप? मैं बद्रीनाथ गया था पंडित जी वहाँ मम्मी लोग को लेकर के। अच्छा जी जी। अब उस टाइम पे थोड़ा ऐसी था मौसम तो फिर लौट आए थे। अच्छा। अगली बार जाएंगे केदारनाथ। हाँ महाराज अब शिवरात्रि के दिन आइएगा फिर आप लोग, शिव जी को अब शिव जी को मनाना है तो शिव जी को मनाने का मतलब खाली शिव जी को नहीं मनाना होता है ना भोले, जो हमारा शिवलिंग है, जो हमारे शिवलिंग प्रतीक जो निशान जिसको बोलते हैं, तो शिव जी का मतलब ये होता है कि सभी देवता, शिव का मतलब होता है सभी देवता एक साथ बैठे हैं। आपने शिव जी को जल चढ़ा दिया तो इस पृथ्वी में जितने भी देवता हैं आपने सबको नहला दिया, सबको पूजा कर ली, ये शिव जी का महत्व होता है। शिव जी का मतलब ये नहीं है कि खाली हम शिव जी को ही प्रसन्न कर रहे हैं, शिव जी को प्रसन्न करने का मतलब पूरी दुनिया के भगवानों को हमने प्रसन्न कर दिया। शिवरात्रि अब महाराज बताते हैं, शिव जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ था तो उस दिन, तब उस दिन की मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन रात्रि को जो है सोना नहीं चाहिए, पूरी रात को जो है जागरण करना चाहिए। अच्छा जी, उसका फल आपको तभी मिलता है कहते हैं कि जागरण जो है पूरी रात का जागरण हो, उस दिन आपने पूरे शिव भक्त बन जाना है, शिव जी के ही ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देना है। जगत पिता जगदीश्वर हुए महाराज, जय हो। ठीक है महाराज, आइएगा बेल बाबा में जरूर जरूर, शिवरात्रि के दिन आएंगे, पहले दिन आ जाइएगा थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है, बाकी हमारे लिए कुछ सेवा होगी पंडित तो वही बताइएगा। अवश्य अवश्य, ठीक है जरूर। ठीक है धन्यवाद। घर की तरफ को आगे को जाते हैं, बाकी मंदिर के दर्शन ही मैंने आपको कराए, पंडित जी से मैंने आपको मिलाया, पंडित जी ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया है। चले भी पंडित जी, फिर होगी मुलाकात। दोस्तों चलते हैं आप घर की तरफ को, प्रदीप भाई चला गया है, वहाँ पर रखे हमने जूते, तो जूते पहनते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर से निकल रहे हैं बाहर को, अब पीते हैं बगल में चाय। यहाँ पर देखिए चाय की दुकान, ये है रुद्रपुर रोड पूरी। तो अब यहाँ पर पीते हैं हम चाय, उसके बाद जाते हैं घर की तरफ को। भैया चाय बन जाएगी, दो चाय बना दो यार। तो ये है देखिए भैया की कुछ शॉप, यहाँ बन रही है चाय। अरे खेल ली देखो। तो बेल बाबा मंदिर के दर्शन करके मैं भी पहुंच गया हूं घर। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको जल्दी किसी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।